आज के वीडियो में बात होगी सुबह जल्दी कैसे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे और ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें, ये भी आज विषय रहेगा। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश बख्शी आपका हेल्थ विथ लाइफस्टाइल एडवाइजर स्वागत करता हूँ हैशटैग राकेश सिंह बख्शी में। दोस्तों, जैसा आज का विषय है सुबह जल्दी कैसे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें, तो इसके लिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं आप और जल्दी उठें। इसके लिए आपको पूरी दिनचर्या तय करनी होगी। सबसे पहले आप 8 बजे अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या उस पे नेट जो एक्टिव रहता है उसको आप ऑफ कर दें, और जो ऑफिस के कार्य हैं या जो दिन के कार्य हैं उनसे बिल्कुल मुक्त हो जाएं, बिल्कुल हल्के फुल्का शरीर करके उसके बाद आप भोजन करें। भोजन भी हल्का फुल्का लेना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो नाश्ता है वो राजकुमारों की तरह करना चाहिए और दोपहर का भोजन किसी राजा की भांति, उसमें पौष्टिक सामग्री भी हो, बसा हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें होना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए दोपहर का भोजन। लेकिन रात के भोजन को कहा गया है कि वह फ़कीर के जैसे होना चाहिए, हल्का फुल्का, जैसे गरीब या फ़कीर लोग करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं हल्का फुल्का, उस तरीके से भोजन करना चाहिए। जब आप हल्का भोजन करेंगे तो आपकी आहार नाल को भी आराम करने का मौका मिलेगा। और इसके बाद खाना खाने 8-8:30 बजे तक आप अपना खाना निपटा लें। 8:30 के बाद आधा एक घंटे घूम लें और अपना जो रात्रि में सोने से पहले का ध्यान है, मेडिटेशन है, वो लगभग 9:30 बजे से 10 बजे तक कर लें और 10 बजे आप सो जाएं। तो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6-8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, और वह लगभग आपकी नींद जो है 6-7 बजे के बीच में खुल जाएगी। तो ये तो सामान्य लोगों के लिए चर्चा हो गई, लेकिन जो लोग रात्रि जागरण बहुत रात तक जगते हैं उनके लिए थोड़ा सा योग निद्रा के बारे में आपको बताऊंगा। कि वैसे तो फर्स्ट थ्योरी यही है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी आप सोएंगे जल्दी जागेंगे। पर कई बार ये होता है कि कुछ कार्य कारणवश कुछ लोगों के कार्य लेट तक चलते रहते हैं, तो इस कारण से वो लेट सो पाते हैं। तो वो लोग जल्दी कैसे उठें, तो उनके लिए तो सबसे पहले जैसे ही आप फ्री होते हैं तो अपना जो नेट या मोबाइल है इसको स्विच ऑफ कर दें अपने काम से फ्री होते हैं। उसके बाद खाना खाएं, थोड़ा टहलें, उसके बाद योग निद्रा वाली नींद आप लें तो आप निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करने लगेंगे। होता क्या है कि शरीर तो सोया रहता है पर मन हमारा काम करता रहता है, तो मन को हम कैसे काम करने से मुक्त करें, इस विषय पर सारा फोकस होना चाहिए। तो योग निद्रा जो होती है वो ये है कि जैसे ही आप खाना खाने के बाद टहलेंगे, टहलने के बाद बिस्तर पर पहुंचते हैं तो बाईं करवट लेट जाएं और मन में विचार करें कि आपके जो दाहिना पैर है वो धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, आराम कर रहा है, वो सुस्त होता जा रहा है पूरा पैर, फिर बायां पैर, फिर पेट वाला हिस्सा, फिर दाहिना हाथ, बायां हाथ, हृदय स्थल, पूरा शरीर धीरे धीरे निद्रा की आगोश में जा रहा है। मन मस्तिष्क भी धीरे धीरे करके पूरा आपका निद्रा की आगोश में जा रहा है। इसी दौरान आप अपने प्रभु को या भगवान जो भी आप मानते हैं उनको ये स्मरण शुरू कर दें, याद करने लगें। जब आप स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे आप गहरी नींद में चले जाएंगे, तब भी आपको स्मरण भगवान का या अपने प्रभु का चिंतन आपके मन में चलता रहेगा, यह होगी
योग निद्रा। और जब आप उठेंगे तो सुबह इतना फ्रेश और अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे और जल्दी भी आपकी नींद खुलेगी। दूसरी बात आती है कि जल्दी क्यों उठना चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा, क्यों उठना चाहिए। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है, प्रात काल की वायु सेवन करत सुजान, बल बुद्धि विद्या बढ़त है, शरीर भूत बलवान। तो इससे बल बढ़ता है। बल कैसे बढ़ता है आप कहेंगे, तो उस समय जब सुबह आप उठते हैं, कार्य करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और हमारा शरीर ऑक्सीजन से ही चलता है। तो इस कारण से जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आप वायु इंटेक करेंगे या अंदर ले जाएंगे तो आपका शरीर निरोग होगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा। बुद्धि के बारे में कहेंगे तो सुबह सुबह जो भी छात्र या जो भी कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं तो वो बुद्धि प्रखर होती है, क्योंकि उस समय जो विचारों की संख्या होती है हमारे मस्तिष्क में बहुत ही कम होती है और वातावरण में भी, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से नहीं कहना चाहिए, 99% लोग उस समय सोए हुए होते हैं, तो वातावरण भी शून्य शांत और निर्मल होता है। उस समय विचारों की जो भाग दौड़ है, आपाधापी होती है, वो भी बहुत कम हो जाती है, बहुत शून्य होती है। तो इसलिए उस समय आपकी विद्या भी बहुत अच्छे से आप ग्रहण कर सकते हैं या जो भी याद करना चाहते हैं बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। इसलिए हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा गया है हमारे वेद शास्त्रों में। इसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो उठें कैसे, तो एक मुद्रा ये भी हो सकती है, दूसरी मुद्रा ये भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप उठ के मुस्कुराएं, अपने परमात्मा, अपने प्रभु का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड अदा करें कि जो भी उन्होंने साधन संसाधन आपको प्रदान किए हैं उनके लिए आप धन्यवाद अहोभाव प्रकट करें परमात्मा को, और अपनी जो खाली बैटरी उसको चार्ज करने के लिए अपने परमात्मा से जोड़ दें, प्रभु चिंतन करें 2-5 मिनट, उसके बाद आप अपने नित्य कर्मों में लग जाएं। बात आती है किन लोगों को सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, तो हम कहना चाहेंगे कि जो अस्वस्थ हैं, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, जो रोगी हैं, कहना चाहिए खासकर अस्थमा वाले जो रोगी हैं, पेशेंट हैं, उनके सुबह ठंडी हवा में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि उनसे उनको एलर्जी होने की दोबारा संभावना होती है। सुबह जल्दी कैसे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बारे में उसके लाभ और उसका तरीका आपने सुना समझा। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।